मैंने बताया ना ये कट पीस है हिंदुस्तान के अंदर कुछ पैदाइशी, और इनको केवल और केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह की ये बात करते हैं। रही बात मेहंदी लगाई, सिंदूर लगाया नुसरत जाने, अरे मौलवियों तुम हिंदुस्तान की लाखों बच्चियों को लव जिहाद में फंसा करके उनको बुर्का पहनाते हो, क्या ये जायज है? ये तो सात जन्मों के की कसम खाई जाती है हिंदू धर्म में। और फतवे जारी करने की हिम्मत है तो हलाला हो रहा है ना, ये भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। इस पर जरा मौलवी बोले, अपनी जबान खोले, तो मैं समझूंगी कि हाँ इनका थोड़ा समाज के प्रति चिंतन अच्छा है, महिलाओं का सम्मान है। लेकिन ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये तलाक के विरोध में फतवे जारी करते हैं, तलाक होना चाहिए उसके पक्ष में आते हैं, ये करते हैं। तो नुसरत जहां ने आखिर मांग में सिंदूर क्यों भरा? इनकी सोच गलत है और ऐसे मौलवियों को धिक्कार है हिंदुस्तान के अंदर। बहन जी, जनसंख्या नियंत्रण की बात अगर चल रही है, कानून लाने के लगातार हमारे एमपी हैं संजीव बालियान, वो लगातार उठा रहे हैं। हाँ, बहुत जरूरी है, और मैं संजीव बालियान जी का धन्यवाद करती हूँ कि जनता की आवाज़ को सदन में ले जा रहे हैं। देश के अंदर जब तक हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान, एक कानून नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान में चाहे कितना भी विकास कर लीजिए, मोदी जी बहुत समस्याएं आने वाली है। क्योंकि ये ओबेसी चिल्ला रहा है ना कि बेरोजगारी बढ़ रही है, ओबेसी से पूछो, हिंदुओं के केवल एक या दो बच्चे हैं, बेरोजगारी हिंदुओं से नहीं बढ़ रही है, बेरोजगारी 5 और 50 बच्चे जो तुम्हारे घर में हो रही है उनसे बेरोजगारी बढ़ रही है। उन पर प्रतिबंध लगाओ, जनसंख्या कानून बनाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, हिंदुस्तान में एक विधान, एक कानून और एक संविधान बने, तो देश में विकास होगा और समाज भी सुरक्षित होगा।